हाय प्यारे दोस्तों, एबीसीसी एनीबॉडी कैन कुक लेकर आया है रुड़की में एकदम डिफरेंट आउटलेट की डिटेल्स। मुझे नहीं लगता रुड़की में आपने इससे पहले कभी इस तरह का आउटलेट देखा होगा, तो बने रहिए एंड तक और देखिए कि इस व्लॉग में क्या खास है। और मैम का ओके। हाय, आपसे मिलके बड़ा अच्छा लगा। बहुत ही अच्छा आउटलेट खोला है हमने रुड़की के लोगों के लिए। मतलब आपकी स्पेशलिटी क्या है पहले तो ये बताइए। स्पेशलिटी हमारी कुलचों की है। हमने कुलचा की भी मल्टी क्यूजिन रेस्टोरेंट बहुत है। अच्छा, कॉम्बिनेशन बहुत रहता है। हम लोगों को कुछ स्पेशल देना चाहते थे। हाँ हाँ। और कुलचा से बढ़िया हमें कुछ नहीं लगा जब हमने स्टार्ट करने की सोचा कि कुलचा एक ऐसी चीज है जिसे कोई भी सुनके कहता है यार ये अलग है। अलग और है। यहाँ लोग जितने भी आते हैं वो सिर्फ कुलचे को एक बार टेस्ट करने के लिए वो बार बार आते हैं। वो एक बार खाते हैं, उसके बाद उनको लगता है अपनी फैमिली के साथ, फ्रेंड के साथ आना है। तो इस कुलचे को बहुत इंजॉय कर रहे हैं और तो ये खुशी होती है। इसमें जो पैक्ड कुलचा आता है उससे बिल्कुल डिफरेंट है। मैंने देखा ये, मतलब इसका टेक्सचर बिल्कुल डिफरेंट है, टेस्ट बिल्कुल डिफरेंट है। जो मार्केट में कुलचे आते हैं उनमें और इसमें बेसिकली क्या डिफरेंस है? बेसिकली क्या पूरे डिफरेंट है, क्योंकि वो पिज्जा बेस की तरह होता है, वो सूजी का बना होता है, उसका दूर में नहीं लगता है। अच्छा, तो आपके सामने फ्रेश बन रहा है, लाइव किचन है हमारे पास जिसमें बन रहा है, तंदूर में बन रहा है। हाँ, मैंने देखा, बहुत अच्छी बहुत ही अच्छी तरह से उन्होंने बनाया और बटर वगैरह भी बड़े अच्छे से लगाया उन्होंने। कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छा है आपका ना। तो आपके ये जो नाम आपने रखा है मित्रा द कुलचा, ये आपकी अपनी मतलब वो है इमेजिनेशन या क्रिएटिविटी? फ्रेंड्स सब अच्छे आते हैं, दोस्तों से, तो हमने एक नाम दे दिया मित्रा ने कुलचे। ये भी सोच ऐसे नहीं पड़ी, सोते सोते एक दिन दिमाग में रात को ख्याल आया तकरीबन 2:30 बजे, तो हमने इस नाम को फिर रिकमेंड किया दूसरे लिए, मेरी बहन ने, तो हम दोनों ने फिर सोचा कि हाँ ये नाम लेना चाहिए क्योंकि मित्रा ने कुलचे एक परफेक्ट नाम बना। नहीं, बहुत ही अच्छा अट्रैक्टिव नाम है और मतलब बहुत अच्छा वैसे आप लोगों ने स्टार्ट करा है ये, और हमारी बेस्ट विशेस आपके साथ हैं कि आपका ये आउटलेट बहुत ज्यादा तरक्की करे। हमने यहाँ ऑर्डर किया था मिक्स कुलचा और रोज़ लस्सी। ये हमारे सामने ही प्रिपेयर करा गया, इनकी लाइव किचन है, आप आराम से बनता हुआ देख सकते हैं कुलचा। तो बड़ा मज़ा आया और बहुत ही डिफरेंट एक्सपीरियंस था मेरे लिए, क्योंकि रुड़की में मैंने कुलचे का कॉन्सेप्ट अभी तक नहीं देखा था। और अगर आप कुलचे के फ़ैन हैं और आपको एक बहुत स्वादिष्ट कुलचा खाना है, बिल्कुल ऑथेंटिक पंजाबी कुलचा अगर आपको टेस्ट करना है, तो इस आउटलेट पर आप एक बार तो विज़िट ज़रूर करिएगा। कौन सा कुलचा बना रहे हैं ये आप? मैम आलू कुलचा मिल जाएगा। अच्छा, आलू गोभी है, पनीर है, मिक्स है। तो ये स्टफिंग करके या इसके साथ कुछ सर्व करते हैं? एक एक्सपीरियंस है बिल्कुल डिफरेंट तरीके का, क्योंकि मार्केट से जो हम कुलचे लेके खाते हैं उन कुलचों का टेस्ट और ये जो आपके सामने कुलचा बन रहा है स्टफ कुलचा, इसका टेस्ट बिल्कुल डिफरेंट है। ये आउटलेट आपको मिनरल गार्डन के पास मिल जाएगा और ये सुबह 11 बजे से लेके रात के 10 बजे तक ओपन रहता है। यहाँ पे ब्रेकफास्ट भी कर सकते हैं, अगर आप ब्रेकफास्ट में कुलचे खाने के शौकीन हैं तो आप यहाँ पे मॉर्निंग में भी जा सकते हैं। सेटिंग का अच्छा अरेंजमेंट है और जो भी प्रिपरेशन है वो फ्रेश है, बिल्कुल आपके सामने ही तैयार की जाती है और आपको सर्व की जाती है। कुलचे के साथ छोले और चटनी का कॉन्सेप्ट है, मुझे बहुत अच्छा लगा। लस्सी, नमकीन या मीठी आपको जैसी भी पीनी हो आप वो भी वहाँ पर एंजॉय कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर एक अच्छा खासा आउटलेट, एक अच्छा खासा मील, एक एंजॉयबल मील आपको रुड़की में मिल गई है। कुलचे का ये स्वाद आपने रुड़की में आज से पहले कभी नहीं चखा होगा, तो एक बार तो विजिट करना बनता ही है। तो लीजिए, हमारा स्टफ्ड कुलचा हो गया रेडी और अब ये जाने वाला है तंदूर के अंदर।
हो गया खुले में? अच्छा कच्चा है, ओके कोई बात नहीं। छोटे शहरों में खाने पीने के ऑप्शंस क्योंकि कम होते हैं, तो ऐसे में ये कुलचा आपको अपना टेस्ट चेंज करने में हेल्प करेगा, तो आप एक बार ट्राई जरूर करिएगा। एकदम बढ़िया लग रहा है। तो लीजिए, कुलचा रेडी है और अब हम इसे करेंगे टेस्ट। हमारा ऑर्डर बिल्कुल रेडी हो चुका है, गर्मा गर्म कुलचा खाने के लिए तैयार है। आप अपना नाम बताएंगे? अच्छा, आप यहाँ से ले जाते हैं कुलचे? अच्छा, हाँ मैंने देखा, अभी हमने भी टेस्ट करा तो काफी अच्छा बनाया है मिक्स कुलचा। अच्छा, थैंक यू सो मच। और कब से आ रहे हैं आप यहाँ पे? तो आ गया ना आपके मुंह में भी पानी इस कुलचे की प्लेट को देखकर। तो जल्दी से अपनी फ्रेंड्स, अपने फैमिली, अपने दोस्त यारों के साथ इस आउटलेट को विजिट करने का प्लान करिए। मैंने मंगाई थी रोज़ लस्सी, जो बहुत ही ज़्यादा फ्रेश थी और टेस्ट में भी ऑसम थी। जल्दी जल्दी प्रोग्राम बना के इस आउटलेट पर एक बार ये कुलचा ज़रूर ट्राई करिए। आपने ऐसा कुलचा रुड़की में नहीं खाया होगा। तो प्यारे दोस्तों, लोकल फूड आइटम्स के एपिसोड्स में एक और ब्लॉग ऐड हो गया है, एक और आउटलेट की इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच गई है। यहाँ मैं आपसे लेती हूँ विदा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि आने वाले नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलके, और दोबारा जल्दी मिलते हैं। और प्यारे दोस्तों, अगर आपको रुड़की के किसी ऐसे आउटलेट के बारे में पता है जिसकी डिटेल्स नहीं है, तो आप उसके बारे में मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं उसकी डिटेल्स कलेक्ट कर आप लोगों तक पहुंचाऊंगी। या आप अपना कोई ब्लॉग बनवाना चाहते हैं तो भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे अबाउट सेक्शन में ईमेल आईडी पर मेल कर। तो अपना ध्यान रखिए और बने रहिए ABCC Anybody Can Cook के साथ। बाय बाय।